दिखाई दे रहा यह नज़ारा फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर का है, जहां आज पूरी तरह से बदरपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दिल्ली के लोगों को फरीदाबाद में ना आने देकर उन्हें बॉर्डर से ही वापस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ज़्यादातर टोल बंद कर दिए गए हैं, केवल एक टोल से ही आवाजाही हो रही है। इस वजह से कुछ जाम की स्थिति भी बन गई है। एसीपी अभिमन्यु की माने तो जिन लोगों को नहीं पता था और वह फरीदाबाद में रहते हैं, इसलिए उन्हें आज निकलने दिया जा रहा है। कल से उनके लिए भी एंट्री बैन कर दी जाएगी। दिल्ली के जो लोग फरीदाबाद आना चाह रहे हैं, उन्हें बॉर्डर से ही वापस किया जा रहा है। बॉर्डर सील किए गए हैं, मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस हम रख रहे हैं। जो बिल्कुल एसेंशियल सर्विसेज के पार्ट हैं या जिसके पास इंटरस्टेट परमिशन है, केवल उसी को अलाउ किया जा रहा है, बाकी किसी को भी अलाउ नहीं किया। हम देख रहे हैं कि लगातार चेकिंग चल रही है, क्या बताया जा रहा है, किन गाड़ियों को? सभी को यही बताया जा रहा है, अगर कोई ऐसी सर्विसेज हैं कि आदमी दिल्ली में रहता है प्लस उसको सर्विसेज अपनी फरीदाबाद में देनी, तो उसको वापस भेजा जा रहा है। अगर कोई ऐसा है जिसके पास मूवमेंट पास नहीं है या उसके पास परमिशन नहीं है, उसको भी वापस भेजा जा रहा है। केवल वही अगर डॉक्टर है, कोई एमएचए ऑफिस से है, उससे केवल उन्हीं को अलाउ करेगा, अदरवाइज सभी को वापस भेजा जाएगा। तो अगर दिल्ली से कोई फरीदाबाद आ गया या फरीदाबाद से दिल्ली आ गया, तो उन्हें क्या करेंगे? उनको यही है, अपनी परमिशन लीजिए, उसके बाद ही आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से फरीदाबाद में आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो फरीदाबाद ही रह जाएगा? बिल्कुल, हर एक की चेकिंग की जा रही है। अगर दिल्ली से भी अगर हमारे पास कोई ऐसा आ रहा है जिसके पास पास नहीं, तो उसको भी वापस भेजा जा रहा है। और किस तरह की और सतर्कता बरतना है, कौन सी गाड़ियों को निकलने की परमिशन है? सभी की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमने अपने रजिस्टर लगाया हुआ है, जो जो गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर कोई ऐसा आ रहा है कि किसी का अगर वैलिड रीज़न है, तो उसका रीज़न नोट करके उसको अलाउ कर रहे हैं, अदरवाइज सभी की चेकिंग की जा रही है। जैसे मैंने बताया कि वो एसेंशियल्स अलाउड है, बाकी सभी को बंद किया गया। तो मीडिया के लिए क्या गाइडलाइन है? यही है कि आपके तरफ से भी हम ये बताना चाहते हैं कि लोग अपने घरों में रहें और रिस्ट्रिक्शंस की पालना करें, और अगर किसी को अगर कोई एसेंशियल सर्विसेज का पार्ट है, केवल वही आदमी निकले, वो भी विद वैलिड पास लेकर निकले, अदरवाइज। तो कितने बजे सील कर दिया गया था बॉर्डर, कितने बजे से चल रही है कार्रवाई? बॉर्डर्स काफ़ी दिनों से ही सील है, कल से ही कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फॉलो किए जाए। क्या इसकी वजह दिल्ली से जो दिल्ली में जो कोरोना के ज़्यादा पेशेंट है, वो वजह है? वो भी एक रीज़न है, ताकि बॉर्डर एक बार सील रखने का यही पर्पज़ है कि मैक्सिमम जो इन्फेक्शन है उनको कंटेन करें। बहरहाल, कोरोना के चलते फरीदाबाद प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। भारत 9 के लिए फरीदाबाद से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।